Dance, my heart, dil dance, my heart.
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया एक और ब्रांड न्यू शो। जी हाँ, हर बार हम प्रॉमिस करते हैं कि हर थर्सडे को आपको ठीक 10 बजे आपके साथ इसी शो में इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और किसी न किसी नए टॉपिक के साथ, किसी ने नए नए मौजू के साथ, कुछ नई बातें, दिल की बातें, अपनी बातें, आपकी बातें, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, हमारी और आप सबकी बातें सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे जो रेडियो उड़ान आपको देता है, दिल से दिल तक का नाम इसका। और ख़ास बात ये कि यहाँ पे हम हर तरह की बात आपके साथ शेयर करते हैं, हर तरह के टॉपिक्स पे डिस्कस किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह से हमसे जुड़ते हों, मोरल वैल्यूज़ को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, या कोई और टॉपिक जो हमसे किसी तरह से जुड़ता हो या हमारे किस लिसनर से किसी भी तरह से जुड़ता हो, वो सब कुछ इस शो में आपको सुनने को मिलता है। उस पर हम आपके साथ बात करते हैं, शेयर करते हैं, हम अपने व्यूज़ देते देते हैं, साथ में अपने लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जो विचारों का आदान प्रदान होता है, व्यूज़ का जो एक दूसरे तक पहुँचाने का जो पूरा कार्यक्रम होता है, वो रेडियो उड़ान इस प्लेटफॉर्म यानी कि दिल से दिल तक के थ्रू करता है। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने कुछ मीडियम्स। जी हाँ, कुछ मीडियम्स हम यूज़ करते हैं हमेशा की तरह, चाहे वो स्काइप हो। स्काइप का मतलब आप हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA N इस आईडी पर हमें कॉल कर सकते हैं शो के दौरान, यानी कि 10 से 11 के बीच में, या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भी भेज सकते हैं इसी स्काइप आईडी पे। और ख़ास बात ये कि अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी लिस्ट में या कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है, तो भाई मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, इमीडिएटली हम आपकी रिक्वेस्ट अभी लेंगे और फिर आपके साथ बात करेंगे आज के शो में। आज के शो का टॉपिक क्या होने वाला है वो तो बहुत से लिसनर्स को पता चल गया है, मुझे मैसेज भी मिले लिसनर्स के, लेकिन जिनको नहीं पता चला है उनको भी कुछ मिनटों में या कुछ लम्हों में अगले मैं बता दूंगा कि आज का मौजू क्या होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार टॉपिक फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आज एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हो और लिसनर्स पार्टिसिपेट करें, अपने व्यूज़ रखें, तो शायद टॉपिक की जो गर्माहट है वो कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ तो स्काइप की बात हो गई। एक और आसान माध्यम जो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रखते हैं वो है हमारा मोबाइल नंबर। जी हाँ, रेडियो उड़ान के साथ साथ जो दिल से दिल तक का एक्चुअली जो ऑफिशियल नंबर है वो है 9015173846। जी हाँ, 9015173846। इस नंबर पे आप छोटी सी मिस कॉल दे सकते हैं अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर इसी नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ करें, अपने टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट हमें इसी नंबर पे सेंड करें। अगर आप शो में लाइव कॉल पे ना आके अपने व्यूज़ रिकॉर्ड करके या टेक्स्ट के थ्रू हमें भेजना चाहते हैं तो इस नंबर को आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है उड़ान लाइव शोज नाम से, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं फेसबुक के थ्रू तो हमारे पेज पर आप आ सकते हैं। जी हाँ, पेज पर आएँ, दिल से दिल तक का अपना पेज है, उसको लाइक करें, वहाँ पर अपने व्यूज़ आप छोड़ सकते हैं। साथ में दिल से दिल तक का अपना ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com और वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में जाके भी आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये कुछ माध्यम हैं जो अवेलेबल हैं आपके लिए। और कुछ उन लिसनर्स से कहना चाहता हूँ जो हमें हमारे शोज़ को यानी कि फेसबुक पे सुनते हैं, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम आपको आज अपना फेसबुक लाइव अभी नहीं सुनवा पा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, अगर कुछ वक्त में ये सॉर्ट आउट हो जाएगी तो हम आपको ज़रूर अपना फेसबुक लाइव सुनवा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस शो को कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से सुनना, तो बिल्कुल आप हमारे शोज़ यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है दिल से दिल तक सीजन थ्री, बिल्कुल जो शो का जो चैनल का नाम है वो सिर्फ दिल से दिल तक है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो विद आरजे नरेश करेंगे तो बिल्कुल आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमारे शोज़ अपनी मर्जी के मन से या आप जब चाहें तब उसको सुन सकते हैं। तो ये मीडियम्स और शो में आज क्या होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आज हम जो मौजू लेकर आए हैं बहुत बहुत ही गर्मा गर्म
मौजू है आज का टॉपिक है जो हम आपके साथ बातें करने वाले हैं। और बहुत से लिसनर्स को जैसा मैंने पहले ही कहा कि पता चल चुका है हमारे प्रमोशनल मैसेज के थ्रू, लेकिन जिनको नहीं पता चला उनको पता चलने का या उनको बताने का वक्त अब आ चुका है कि आज हम आपके साथ क्या पूछना चाहते हैं या क्या शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए आज का जो मौजू है वो है हैविंग आप, जी हाँ बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैविंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज अ फैशन टुडे। क्या आजकल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना एक फैशन बन गया है, ये आज का टॉपिक है जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी सहमति भी प्रकट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस पूरे मौजू से डिसएग्री भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सच में ये फैशन है तो आपको ऐसा क्यों लगता है आपको हमें बताना होगा। अगर आपको ये भी लगता है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों की कही सुनी बात है, तो भाई आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। इसके साथ साथ आपको कुछ देर बाद सुनने को मिलेगा एक और बेहतरीन सेगमेंट इसी शो में, जो हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसका नाम है मेरी आवाज़। इसमें हर वीक आपको नए नए टैलेंटेड पार्टिसिपेंट सुनने को मिलते हैं। आज भी हमारे साथ एक न्यू पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स हमें भेजी हैं, तो चलिए उनको भी सुनेंगे। बहरहाल वक्त हो गया है एक और प्यारे से गाने का, इस गाने को भी इंजॉय करें और मैं आऊँगा आपके पास इस गाने के बाद और फिर आपको अपना सेगमेंट सुनवाएंगे। और तब तक आप अपना दिमाग और दिल दोनों को तैयार कर लीजिए कि आज आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि हेजिटेशन तो होती है इस पे बोलने में, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप में इतना करेज है, क्या इतना साहस आप में है कि आज आप अपने व्यूज़ को ऑन एयर आके लोगों के सामने बेबाकी से रख सकते हैं। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको एक और गाना, इस गाने को एंजॉय करें। मैं आऊंगा आपके पास इस गाने के बाद वापस। Yeah.
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूं आरजे नरेश कुमार। और एक और आपने तड़कता भड़कता बड़ा ही फेवरेट गाना सुना मेरा, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और आज हमारे जो टॉपिक है उस पर कुछ कुछ मैच भी कर रहा है। तो चलिए, वो गाने की बात हो गई है, टॉपिक हमने आपको बता दिया है, हैविंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज अ फैशन टुडे। क्या आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना एक फैशन बन गया है, या अभी भी ये एक ट्रू रिलेशन की, या इट्स अ मैटर ऑफ ट्रू रिलेशन? तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आप महसूस करते हैं, किस आप इस मौजू से एग्री और डिसएग्री करते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्काइप आईडी रेडियो डॉन RADIOUDNN, या हमारे मोबाइल नंबर 9015173846। तो ये वो मीडियम जिन पे हम अवेलेबल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर पे जो मोबाइल नंबर हम आपको बता रहे हैं उस पे सिर्फ हमें छोटी सी मिस कॉल दें और हम शो के दौरान आपसे उसी नंबर के से कॉल करेंगे और आपके साथ बात करेंगे। बहरहाल, टाइम हो गया है हमारे आज के पहले सेगमेंट का। जी हाँ, पहला सेगमेंट मेरी आवाज़ में हम हर वीक आपके लिए कुछ नए पार्टिसिपेंट लाते हैं जो अलग अलग तरह के टैलेंट रखते हैं, और ऐसा टैलेंट जो उनको दूसरों से अलग करता है किसी ना किसी तरीके से। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टैलेंट है, आपके पास भी कोई ऐसी विधा है जो, या कोई कला जो आपको दूसरों से अलग करती हो, या आप में आपके व्यक्तित्व में कुछ खासियत पैदा करती हो, तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं अपनी। और रिकॉर्डिंग भेजने के लिए वही मीडियम्स आपको उपलब्ध हैं जो हमने आपको हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, या हमने कुछ गाने से पहले आपके साथ शेयर किए थे, वही है। लेकिन आज जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग तरह का, जो एक अलग ही दुनिया में आपको लेके जाएगा, ऐसे परफॉर्मेंस है। और ये परफॉर्मेंस आपको सुन के लगेगा कि बहुत कुछ पीसफुल, बहुत शांति वाली ऐसी परफॉर्मेंस जो बहुत सुकून देती है, जो रूही रूहानी सुकून आपको देने वाली है, ऐसी ये परफॉर्मेंस है। और वो आपको सुनने को मिलेगी अभी जब हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। तो चलिए, वक्त हो गया अपनी पहला सेगमेंट पहला सेगमेंट जिसका नाम है मेरी आवाज़, उसको सुने और महसूस करें इस अनोखी और एक ही बहुत ही परफेक्ट किस्म की परफॉर्मेंस जो आज हमें उपलब्ध हुई है। और चलिए, इनकी परफॉर्मेंस पे बाद में बात करेंगे, पहले सुन लें क्या परफॉर्म करने वाले हैं। Hi, this is Richa Sharma from Indraprastha College for Women, and I'm pursuing Sanskrit honors. I have a great interest in singing bhajans, so here I am presenting two of my favorite bhajans. So please listen. ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सोरे, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, हो भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की,
जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, हो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, हाँ भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे द्वार पे आवे मन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, गीता का सुमिरन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु, तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, जग के दाता विश्व विधाता, रचना तेरी प्यारी है, तुम ही मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हितकारी है,
कोई नहीं हितकारी है। शरण प्रभु की मिल जाए जो, शरण प्रभु की मिल जाए जो, ऐसा कुछ करना होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद। आपने आज तक इस शो में जितनी भी परफॉर्मेंसें सुनी उन सब में कहीं ना कहीं लोग जिन्होंने भी परफॉर्म किया उन्होंने गाने गाए, गीत गाए, गज़लें गाई और पॉप संगीत गाया, कई बार नए गाने गाए, कई बार पुराने भी गाने गाए। लेकिन आज हमें एक ऐसी परफॉर्मेंस मिली जो बहुत ईमानदारी से उन्होंने दो बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुनाए, और मैंने कहा था आप जब इनको सुनेंगे तो आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल जो आपको रूहानी सुकून देता है। जी हाँ, और ऋचा शर्मा है जो न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही थी और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया, अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजी और इतनी बेहतरीन दो परफॉर्मेंस दी। तो लिसनर्स, आप भी अगर चाहें ऋचा शर्मा के सिंगिंग पे या उनके जो भजन है उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे मीडियम्स वही हैं जो आप हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बहरहाल, इससे पहले कि हम सीधा अपने टॉपिक पे आ जाएं, तो उन लिसनर्स के लिए जिनको थोड़ी सी देर हो गई है शो में, उनको हम बता दें कि शो का टॉपिक हमने जो आज हमने चूज़ किया है वो वही है जो आपको समझ में आया। जी हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गर्मा गर्म टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक हमने आपको बता दिया था, हैविंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज अ फैशन टुडे। क्या आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना एक फैशन बन गया है या अभी भी ये एक इट्स अ मैटर ऑफ ट्रू रिलेशनशिप? तो उस पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIO UDNN, या हमारे मोबाइल नंबर जो दिल से दिल तक सीजन 3 का एक ऑफिशियल नंबर है उस पर आप हमें मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर है 9015173846। मेरे साथ दो लोग हैं, दूसरे कौन है उनका नाम मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। पहले जो मेरे साथ कॉल पे आज हमारे एक लिस्नर हमारे साथ जुड़े हैं और शायद इस शो में वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ख़ास बात ये कि बहुत दूर से हमारे को कॉल कर रहे हैं, शो में पहली बार जुड़ रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और कोशिश करें उनसे जानने के बारे में, उनसे जानें कि आज वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार नरेश सर, और सभी रेडियो उड़ान के लिसनर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जरा लिसनर्स को अपना इंट्रोडक्शन बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। आज पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। जी मैं बिल्कुल आपके इस शो में जो है वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं अंग्रेज सिंह बात कर रहा हूँ जम्मू से, और अभी मैं अपने स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर काम कर रहा हूँ। जी तो बिल्कुल अंग्रेज का नाम सुनते ही बहुत से लिसनर्स हमारे को, हमारे लिए जो लिसनर्स है वो पहचान गए होंगे। ये हमारे उस शो में ज़रूर आते हैं जो मंडे को होता है, उसमें बहुत रेगुलर हैं और उसमें इस बार जीनियस भी बने थे। तो दिल से दिल तक में आज पहली बार जो पार्टिसिपेट करने का मन किया अंग्रेज, आपका कोई खास वजह है? एक्चुअली मैं पहले भी आपके प्रोग्राम तकरीबन सुनता हूँ, तो आज भी मैंने जब ये ऑन किया तो मैंने टॉपिक आपका सुना, तो उसके बाद जो आपके मतलब आपने भजन चलाए तो मुझे वो भी बड़े अच्छे लगे और टॉपिक भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मॉडर्न जमाने का टॉपिक है तो मुझे लगा थोड़ी सी बात करनी चाहिए। जी तो बिल्कुल, तो क्या लगता है जंगरेज आपको कि आप बहुत दूर से जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू इस टाइम अंग्रेज, तो क्या कहते हैं कि सच में ऐसा कुछ है या सिर्फ एक कही सुनी बातें, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं शायद कि
ये एक फैशन बन गया, अभी भी ये ट्रू रिलेशन का एक जरिया है या सच में एक फैशन बना है? मुझे तो ये लगता है कि अभी मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि ये थोड़े बहुत तो अब फैशन की तरफ ही जा रहा है। मैं पूरा तो नहीं 100% तो नहीं कहूंगा कि ये फैशन हो गया है अब गर्लफ्रेंड रखना या बॉयफ्रेंड रखना, लेकिन ये हो गया कि अब ये तकरीबन जो है वो वाली मतलब वो वाली बॉन्डिंग नहीं रही अब जितनी होनी चाहिए प्यार में जो होती थी या जो प्यार होता है वो वाली चीज अब कम नजर आती है। और बाकी ये है कि बेसिकली होता ये है कि कुछ लोग तो कुछ 10-20-40% ठीक है अभी भी होता होगा, लेकिन आज हर बच्चे या हर जो यंग एडल्ट होता है 17-18 साल का बच्चा 16-17 साल का जी, तो उसको मुझे यहाँ तक लगता है कि उसको ये लगता है कि मेरी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है और ये उसको ऐसा लगता है कि ये उसकी 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 लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो वो अभी उसको उस चीज की इतनी समझ तो नहीं आती है कि ये मतलब उस तरह से है प्यार है या क्या है, लेकिन वो उसको ये जरूर लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि अब ये 60-70% या काफी हद तक ये जो है वो उस तरफ बढ़ रहा है। ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 100% ही फैशन है, कुछ लोग आज भी जो है वो बहुत जूली प्यार करते हैं और प्यार करते हैं लोग काफी, लेकिन मतलब ज्यादातर ये जो है ये फैशन की तरफ ही बढ़ रहा है। ऐसी कोई खास वजह है कि आपको लगता है कि बच्चों को ऐसा लगने लगा है या जो यंगस्टर हैं जो टीनएजर्स हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का होना बहुत जरूरी है? कुछ खास रीजन समझ में आता है जब आप वैसे आपने बताया कि आप एजुकेशन से संबंध रखते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो कोई रीजन समझ में आते हो इस चाइल्ड बच्चों की जो साइकोलॉजी है? एक्चुअली मुझे यही लगता है कि अब बच्चे जो है वो मॉडर्न हो गया है, ये मतलब जो सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट है, फेसबुक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी काफी उसमें वो कर रही हैं। और लोग सोचते हैं बच्चे की मतलब अब जैसे किसी को देखते हैं तो मतलब उसका तो किस तरह का सिस्टम है, लेकिन उसी की देखा देखी मैं उनको भी लगता है कि हमारी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो उसी तरह से ये धीरे धीरे मतलब लोग बढ़ रहे हैं उसी तरफ। तो मुझे उस लिहाज से ये लगता है और कुछ हद तक मतलब ये लग रहा है कि इसी तरह से जो है वो चलता है कि लोग आजकल फैशन की तरफ ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादातर टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा नजर आती है। तो कुछ मैसेज जो अपने सुनने वालों को आप देना चाहें चलते चलते? मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि अगर इसी टॉपिक की बात करें तो ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बुरी बात तो नहीं है, बट हम जिससे भी प्यार करें तो हमें बिल्कुल दिल से करना चाहिए और कोशिश कर दीजिए कि हम आखिरी हद तक जो है वो उसको निभाएं। जी, तो ये है अंग्रेज जो हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं, शो में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुश हैं कि आज का टॉपिक उन्हें बहुत पसंद आया। अंग्रेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और शुक्रिया आप अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सेम हियर सर। तो जी लिसनर्स, ये थे अंग्रेज जो हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे थे। चलिए हमारे साथ आरजे अंकित भी हैं, उनसे भी बात आपकी जरूर कराएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक और प्यारे से गाने का। चलिए इस गाने को सुना लेते हैं और इस गाने के बाद हम आपके पास आएंगे वापस और साथ में लाएंगे आरजे अंकित को, वो भी आज कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे वो देखना होगा। बहरहाल वक्त है एक गाना जो मैं आपके लिए चूज करके लाया हूँ, इस गाने को सुने एंजॉय करें और दो मिनट के बाद दिमाग में तैयार करके कि आपको हमारे साथ क्या शेयर करना है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं आता हूँ इस गाने के बाद वापस। Girlfriend, na 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 na, na 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 na. मैं तेरा boyfriend, तू मेरी girlfriend, no मैंनू केंदी na 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 na. रुकते जब मेरी गल ता सुन ले, तू मैंनू केंदी na 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 na. मैं तेरा boyfriend, तू मेरी girlfriend, no मैंनू केंदी na 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 na. रुकते जब मेरी गल ता सुन ले। लाल टॉप पाली कि हो ना जावे टली मैं तो जानी ना सवाली ओ पूरी दारू पींदी बाली तो लाल टॉप पाली कि हो ना जावे टली मैं तो जानी ना सवाली मैं का डांस करेंगी ना 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 रोमांस करेंगी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैं पींदी ना 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 रुकते जा मेरी गल ता सुन ले तू मैं पींदी ना ना
शिकारियों ने कूड़ी जही वट्टी मेरी लथ गई सारी मैं कब पूरी वेखी पहली बारी लगे हाथ दी शिकारियों ने कूड़ी जही वट्टी मेरी लथ गई सारी मैं कब प्यार करेंगी ना 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 मार दवेंगी ना ना पर वा मैं भी तेरे नाल सोनी कुड़ी लहूंगा फसा ओ जे तू जानी है जा मैनू नहीं ओ पर वा मैं भी तेरे नाल सोनी कुड़ी लहूंगा फसा हुन वेट करेंगी ना 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 या मैनू हेट करेंगी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 रुक ते जा मेरी गल ता सुन ले फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे कि मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं ते ट्यूशन बारे पूछण आया सी। वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूँ अर्जय नरेश कुमार और वापस आ गया हूँ एक बड़े ही मज़ेदार प्यारे से गाने के बाद। इस तरह के पंजाबी गाने आपको थोड़े कम ही मिलते हैं हमारे यहाँ पे सुनने को, लेकिन आज हमने सोचा टॉपिक ऐसा है तो बिल्कुल क्यों ना आपको इस गाने का भी मज़ा दिया जाए। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे साथ लगातार स्काइप पे और मोबाइल पे लिसनर्स जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ मोबाइल पर भी और स्काइप पर भी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं जो हमारे साथ स्काइप पर हैं, तो उनके साथ एक बार बात कर लेते हैं और उस साथ में उन्हीं को जो हमारे मोबाइल वाले लिसनर हैं उनको भी शो में ऐड करेंगे आपके साथ। चलिए पहले जल्दी से चलते हैं अपने स्काइप की तरफ और देखें कौन कौन है। आरजे अंकित तो वहाँ पर वेट कर ही रहे हैं और साथ में उनके साथ और कौन है वो भी हमें चेक करना है। हेलो, चलिए मेरे ख्याल से अभी हमारे जो स्काइप वाले हैं पार्टिसिपेंट उनके साथ हमारी बात नहीं हो पा रही। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको हमारी स्काइप आईडी यानी कि रेडियो उड़ान RADIO UDN पर कॉल करना है, और मोबाइल के लिए जो हमने नंबर दिया वो आपको 9015173846, जी हाँ ये हमारा नंबर जिस पे आप हमें कॉल मिस कॉल देंगे और हम आपको शो में लेंगे। बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो जैसा अंग्रेज़ हमारे साथ कह रहे थे कि फैशन बन रहा है, क्या फैशन बन रहा है ये तो सोचने वाली बात ज़रूर है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी आ रही है कि अगर आपके पास ऐसा कोई मन होता है, आपके मन में कभी ऐसा अट्रैक्शन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप दूसरों को देख के ऐसा चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड हो, कोई हमसफ़र हो आपका। क्या बार ट्रेंड होता है जैसा हम जिस ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज कि आजकल फैशन बनता जा रहा है, कई बार लोग दूसरों को देखते हैं, बच्चे दूसरों को देखते हैं, टीनेजर्स हों या यंगस्टर हैं जो दूसरों को देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके पास है, उनके साथ कोई है तो हमारे साथ भी कोई होना चाहिए, ऐसी कोशिश होती है। बहरहाल ये कितना ठीक है या गलत ये काफ़ी हद तक आप समझदारी से अगर सोचें तो हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि सबने अपनी अपनी सोच बनाई होती है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। हालांकि यंगस्टर इसमें थोड़ा जल्दबाजी ज़रूर करते हैं, ये बात सही है अंग्रेजी की कि यंगस्टर काफ़ी जल्दबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें एक ईगरनेस होती है कि ऐसा उनके साथ भी होना चाहिए, कोई उनका भी दोस्त या उनका भी कोई हमसफ़र होना चाहिए। कितनी दूर तक जाएगा उसके जो कई बार बहुत सी बातें हैं वो शायद समझ पाते हैं नहीं पाते, लेकिन वो ऐसी कोशिशें ज़रूर करते हैं। तो इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको हमारे साथ हमारी कॉल करना होगा, हमें हमारे नंबर यानी कि 9015173846 पर हमें कॉल करें, या हमारे साथ आप हमारे स्काइप आईडी RADIO UDN पर हमें
कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक और प्यारा सा गाना, इस गाने को सुने एंजॉय करें। मैं आऊंगा इस गाने के बाद आपके पास वापिस। नसीला नसीला तेरा नैना, तू रहले हमरा चैना, अब हमरे दिल में रहना। नसीला नसीला तेरा नैना, तू रहले हमरा चैना, अब हमरे दिल में रहना। चलिया चलिया रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी चलिया, चलिया चलिया ओ चलिया, हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी चलिया। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी चलिया, चलिया चलिया ओ चलिया, हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी चलिया। उस लहर वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और मेरे साथ हैं बहुत सारे लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और
जो लोग मोबाइल से कॉल डिस्कनेक्ट होके चले गए थे मेरे साथ, फिलहाल वो कॉल पर हैं। साथ में जो लोग स्काइप से चले गए थे, दो लोग गए थे भाई, तीन लोग वापस आए हैं, क्या बात है। कुछ लोग अच्छे खासे लिसनर्स हमारे पास हैं। चलिए सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे इन सबके साथ। पहले स्काइप पे मेरे साथ आरजे अंकित हैं। आरजे अंकित, बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो जब आता हूँ तो लिसनर गायब हो जाते हैं, मगर आज तो लिसनर जिंदा है यहाँ पे। और उनके साथ साथ आरजे आकिब भी हमारे साथ हैं। आकिब, बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू वेरी मच सर। और साथ में इनके आशीष अग्रवाल जो कोलकाता से शो में जुड़ रहे हैं। आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जी, बहुत मेरे बहुत साथ मोबाइल पे भी कुछ लोग हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं सोनी बोल रही हूँ। तो सोनी हमारे साथ मोबाइल पे हैं। सोनी के साथ साथ हमारे साथ दीपक भी मोबाइल से जुड़ रहे हैं। दीपक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। यस सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो उड़ान। तो दीपक यादव जो हरियाणा से हमारे साथ हैं, दिल्ली से सोनी प्रजापति, कानपुर से आरजे अंकित, जम्मू से कश्मीर से इनफैक्ट आरजे आकिब, और कोलकाता से आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। एक साथ पूरा हिंदुस्तान लगभग ऐसा लग रहा है मुझे जुड़ गया है। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। आरजे अंकित, क्या कहेंगे, कुछ खास कुछ स्टार्ट करें अपनी कुछ बातचीत? या बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत की जाए। तो बिल्कुल मोबाइल वालों से चलिए पहले पूछ लेते हैं। मोबाइल पे सोनी और दीपक हमारे साथ हैं, आप दो लोग अलग अलग जगह से हैं। दीपक, शो में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है शो में पार्टिसिपेट करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफी बार सोचता था बस टॉपिक की वजह से, बट आज का टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो आज वो बेस्ट डे है, शायद मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ शो में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये दीपक हैं, दीपक यादव जो हरियाणा से हमारे साथ हैं। दीपक, क्या शेयर करना चाहते हैं, मतलब सच में ये फैशन बन गया है या अभी भी ये एक ट्रू रिलेशन की बात है? नहीं सर, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। जो अब मान लो कोई भी है जिनकी मानसिकता मतलब कैसी है, वो मतलब मानसिकता पे डिपेंड करता है ये फैशन है उनके लिए या फिर ट्रू लव है। आई थिंक मेरे हिसाब से फैशन नहीं है, क्योंकि आज भी जो हम देखते हैं हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को इनवाइट कर लेते हैं अपने मदर फादर के पास मतलब मिलवाने के लिए। बट वेस्टर्न में ऐसा होता है और खुलेआम होता है, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि फैशन नहीं है। पर फिर भी आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए सबको लगता है कि हमारा कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जिद में होते हैं इस चीज के पीछे, बट कुछ लोग जो होते हैं मतलब मैं मोस्टली कहूंगा 80% लोग ऐसे होते हैं आई थिंक। पर फिर भी ये चीज नहीं है कि फैशन है, कुछ लोगों के हिसाब से ये फैशन जरूर हो गया है आज की डेट में, पर मेरा अपना मत ये है कि ये फैशन नहीं है। जी सोनी, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इस बारे में, पूरे क्या पूरे टॉपिक पे क्या कहने का मन है? सर आज का जो टॉपिक है, मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है बहुत बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से भी यही है कि जो गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना कोई एक फैशन नहीं होता। ये किसी किसी को लगता है कि यार हमारा भी होना चाहिए या हमारी भी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को सीरियसली लेके चलना चाहिए, और क्योंकि ट्रू लव होता है इसी से लोग लाइफ पार्टनर भी बनते हैं। और मैंने भी यही सोचा है, अभी मैं आज आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि मैंने भी यही सोचा है कि अगर हो तो सीधा लाइफ पार्टनर हो, या फिर मतलब मुझे मुझे कोई फैशन के लिए फ्रेंड नहीं बनाना है। मैं इतने टाइम से बाहर हूँ, बहुत सी संस्कृति को देखती हूँ, और मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग सोचते कि ऐसा इनके लिए होना ही चाहिए होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं हम मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं
जिससे कि मतलब जरूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड बन सके, ऐसा जरूरी नहीं है, पर इनसे इतना अच्छा लिंक है कि हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बस हम यही वाला गाना डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी बात को लेके। चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए गाना भी सुनाना चाहें। आपके पास कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो आपके अपने आपने बोला आप वो शेयर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, या सिर्फ आप अपने अपने थ्रू ही सबके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रही हूँ। जी दीपक, क्या कहेंगे, कुछ और बात जो आप शेयर करना चाहते हैं जल्दी से, कुछ वक्त कम है हमारे पास, और चलते चलते क्या कहेंगे अपने सुनने वालों को अगर इस टॉपिक को कहना चाहते हैं तो? जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा जो लोग ये समझते हैं कि ये जो बॉयफ्रेंड होना गर्लफ्रेंड होना वो फैशन के लिए है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत है, और इससे एक जो ट्रू रिलेशनशिप है उसको ठेस पहुंचती है और एक दूसरे की भावनाओं को मतलब नुकसान होता है इस चीज से। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अगर आप कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप एबल है उस चीज के लिए, तभी आप मतलब इस चीज में इंटरफेयर करें। जी तो ये हैं दीपक और सोनिया हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हमारे साथ कॉल पर ही हैं दोनों, इनसे कोशिश करें कुछ बात करें पहले, इससे पहले कि जो स्काइप पे हमारे साथ हैं उनसे भी कुछ बात कर ली जाए। अंकित, क्या फील होता है आपको, कुछ व्यूज रखना चाहते हैं अपने? बिल्कुल रखना चाहते हैं। पहली बात तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ लोगों को, मेरी डिक्शनरी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब होता है बिल्कुल एक खास दोस्त। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर जो जो प्यार वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसको बिलव्ड मानता हूँ। तो अगर मैं बिलव्ड की बात करूँ तो यस, आज के टाइम में वो फैशन है भी और नहीं भी है। इसलिए भैया टिंडर पे राइट स्वाइप किया, उसके बाद स्टेटस आता है टिंडर पे, अरे भैया राइट स्वाइप हो गया, मतलब आप वो राइट स्वाइप हो गया उसके बाद भी आपको फैशन करके दिखाना है। बट मैं जब रियलिटी पे आता हूँ, धरातल पर आता हूँ, तो देखता हूँ कि आज जियो के टाइम में लोग घंटा घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं जी। और इतनी लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि वो सब कुछ पूछ लेंगे, भाई रोटी कितनी खाई, कितनी बुर्की में खाई, कितने बजे खाई है, चलते चलते खाई, क्या बनाया। तो मतलब मेरे गली में एक बंदा है, वो इतना मतलब एडिक्टेड है बात करने के लिए कि उसको सुबह से देखो तो शाम तक उसे फोन में चिपका रहता है। तो कहीं ना कहीं प्यार आज भी जिंदा है, बट एक फैशन बन चुका है। दूसरी अगर मैं परिभाषा में और धरातल पर जाऊं तो आज इसको इन्होंने फिजिकली बना दिया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। मतलब आपने किसी से दोस्ती करी, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, एंड देन ओवर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के किसी को गर्लफ्रेंड बना रहे हो, किसी के साथ रिलेशन बना रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। और ये कॉमन है आज के टाइम में, क्योंकि हम कई वारदातें सुनते हैं और कई चीजें सुनते हैं। तो ये एक सिंपल है। बट अगर मैं जोक के पॉइंट ऑफ व्यू करूं, यस फैशन है भाई, टिंडर है आजकल, आजकल टिंडर है, लोग टिंडर पे भैया अपना दिखा रहे हैं फैशन, तो दैट इज इट। जी आकिब, क्या लगता है, आप भी सहमत हैं इस बात से? अपना व्यू पॉइंट रखने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं। जी इरशाद। गालिब का शेर है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, बहुत खूब, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सुभान अल्लाह। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अगर हम किताबी बातों में जाए तो प्यार एक मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आजकल का जो टाइम है, आजकल जब हम देखते हैं टीनएजर्स या अब तो 12-11 के जो भी बच्चे होते हैं वो भी इस ट्रेंड में आ चुके हैं। जी मेरा कहना है कि जो 13 साल 12 साल या 16-17 साल का बच्चा है उसको क्या पता कि प्यार क्या होता है, उसको क्या पता कि हम सफर किसे कहते हैं। वो तो औरों को कॉन्फ्रेंट करके, औरों को देख देख के, जब वो औरों को देखता है कि उसके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसको एक पार्ट ऑफ अ लाइफ उन्होंने बना के रखा है कि एक ट्रेंड है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में ट्रेंड है, उसके पास गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो थोड़े सीनियर एज के होते हैं, अबव 20, या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ है, उनको इस चीज की ज्यादा समझ होती है कि हम सफर क्या होता है।
दे आर ऑन दैट सेटअप ऑफ देयर एज कि जहां उन्हें हमसफर की जरूरत भी है. सत्रह साल सोलह साल का जो बच्चा है उसे मामा के प्यार और पापा के लाड़ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए. उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं है. बट इट्स अ ट्रेंड इन द सोसाइटी एंड दे आर गोइंग इन दैट ट्रेंड. एंड एट द कंक्लूजन आई विल से कि आज के जमाने में इट्स अ फैशन. चलिए बिल्कुल इस पे और बात करेंगे. आशीष अग्रवाल हैं लेकिन भाई बातचीत बहुत लंबी हो गई है. मेरे पास एक और पार्टी सॉन्ग आपके लिए रखा हुआ है. चलिए इस पार्टी को भी इंजॉय करें, इस गाने को इंजॉय करें क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है और जब आप सुनेंगे तो सच बता रहा हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा. तो चलिए थोड़ी सी और बातें जो रह गई हैं उसके लिए भी हम आएंगे आपके पास इस गाने के बाद. बहरहाल इसको इंजॉय करें, मैं आता हूँ आपके पास कुछ मिनटों में. ना लग तारा लुक बॉय तेरा किलर, टॉम क्रूज और जॉनी डेप तो तेरा यादा चिल्लर. हीरो से तू कम ना लग तारा लुक बॉय तेरा किलर, टॉम क्रूज और जॉनी डेप तो तेरा यादा चिल्लर. 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे रे बेबी, बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे रे बॉय, बैठ पजेरो में वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री. मैं हूं आरजे नरेश कुमार और टॉपिक आज थोड़ा गर्मा गर्म इंटरेस्टिंग सा टीनएजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए हमने जो टॉपिक चूज़ किया वो हमारे सभी लोगों को पसंद आ रहा है. बहुत खुशी हो रही है कि जब आप इतनी दूर दूर से अलग अलग जगहों से एक ही प्लेटफॉर्म पर आके बात करते हैं तो लगता है कि हिंदुस्तान
जैसे सिमटने लगा है, दूरियां खत्म होने लगी हैं। बहरहाल स्काइप पे हमने आरजे अंकित और आरजे आकिब से बात की। आशीष अग्रवाल हमारे साथ हैं। आशीष बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष लगातार इस शो में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। आशीष क्या लगता है आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं, कैसा है कि मतलब सच में फैशन बन रहा है कि अभी भी कुछ वो जो फीलिंग है इसकी, जो ट्रू रिलेशनशिप की बात है, वो अभी भी है? जी दोनों ही सोसाइटी में अपनी जगह बराबर रखी हुई है, दोनों ने अपनी अपनी जगह रखी हुई है। मैं दीपक के साथ भी पूरी तरह सहमत हूँ और आकिब में और अंकित जी के साथ भी पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो आपने कहा ट्रेंड वाली बात और ट्रू लव वाली बात, ये डिपेंड करता है, ये वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन का नेचर कैसा है, किस तरीके का है। ट्रू लव डिपेंड करता है हर एक पर्सन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, और इन पर्सन का नेचर कैसा है, वो सीरियस है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसके थिंकिंग पर आगे चल के वो उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहता है। अगर सीरियस नहीं है तो उसके लिए फैशन है, आज सीता कल गीता परसों रीता, ये उसके लिए फैशन है। जी इतना ही कहना चाहूंगा। आशीष कई बार ऐसा नहीं लगता कि कई बार दोनों तरह से अपने बातों को रखा, लेकिन एक ट्रेंड भी देखने को मिलता है कई बार, कि कई बार आपने अगर टीनेजर्स की बातें सुनी हो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, मेरे पास भी होना ही चाहिए, इस तरह के कई बार टीवी शोज मूवीज और में भी आपने देखा हो। यहाँ ऐसा होता है कि वो कहावत सुनिए ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जी बस टीनेजर्स में यही है और कुछ नहीं, टीनेजर्स में हर एक चीज को लेके यही होता है। उन्हें ये नहीं मालूम है अपना कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारा क्या खाने से पेट खराब हो सकता है, चलते हैं प्यार करने के लिए। बिल्कुल। तो आकिब कुछ और ऐड करना चाहेंगे, कुछ इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब कुछ और भी इससे अलग व्यूज हैं आपके पास? अलग व्यूज तो जैसे आशीष ने कहा कि दोनों ही अपनी बराबर की जगह रखते हैं सोसाइटी में, बट जो दूसरा वाला सेगमेंट है जिसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो सेगमेंट बहुत कम है, जो ट्रू लव वाला प्यार होता है वो तो जब इंसान, जब एक पर्सन खुद सीरियस होता है अपनी अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, तब ही वो एक ट्रू रिलेशनशिप में जा सकता है। जब तक वो लड़कपन में होता है, लड़कपन में जब तक होता है तब तक वो ट्रू रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ये व्यूज हैं आकिब के, आशीष के। हर्ष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक जुड़ नहीं पाए, जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनकी भी बात आपके साथ कराएंगे। बहरहाल मैं आपको सुना रहा हूँ एक और टीनेजर्स का बहुत ही फेवरेट गाना जो आपको बड़ा पसंद आता है और मुझे भी पसंद आता है, 98% पसंद आता है, 2% कम पसंद आता है, आज कुछ ऐसे समझ लें बात को। तो चलिए इस गाने को भी सुने, बड़ा ही फेमस हुआ था जब गाना चला था और सुपर डुपर हिट भी रहा भाई अपने टाइम का। चलिए वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास कुछ मिनटों में और अपने शो के अंतिम लम्हों में कुछ बात इनसे पूछ के, और चाहेंगे कि ये सब अपनी अपनी बातें बताएं और बेसिकली क्या है इन सब चीज़ों का मतलब जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहते हैं उसकी बात करेंगे। फिर फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय करें जो सुन के आपका भी मन खुश खुश हो जाएगा। अंग्रेजी चिड़िया की खातिर
काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए हैं हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज बात कर रहे हैं आपके साथ, हैविंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज अ फैशन टुडे। क्या सच में आज के टाइम में, आज कल जो वक्त चल रहा है उसमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का होना एक स्टेटस सिंबल या एक फैशन या एक ट्रेंड बन गया है, या अभी भी उसमें वही हकीकत बात है, वही हकीकत है जो शायद पहले होती थी, जिसको लोग महसूस करते थे। हम सफ़र ढूंढते थे, साथी ढूंढते थे, लाइफ पार्टनर ढूंढते थे अपने दोस्तों में या जिसको भी आप अपना साथी चूज़ करते थे। और कॉल पे लिसनर्स का पार्टिसिपेशन स्काइप पे अच्छा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग शायद होंगे जो हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा लोगों ने हिम्मत दिखाई भाई। और एक जो अंकित को जो कभी कभी ये फील होता था कि जब वो आज शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो लिसनर्स नहीं आते हैं, आज काफ़ी सारे लिसनर्स आए, तो चलिए उनका भी ये जो एक वहम था वो भी टूट गया है। तो चलिए जल्दी से वापस लिसनर्स के पास आते हैं, क्योंकि शो के लाख आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं, जहाँ पे आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं जो शायद हिम्मत ना कर पाए और बताना चाहते हैं लेकिन शायद ना कह पाए हो, और चाहे वो कोई भी वजह हो, टेक्निकल वजह हो या कोई और वजह। तो जितने लोग हमारे साथ हैं कम से कम वो अपनी बात रख सकें शो से अपने सभी सुनने वालों को। सोनी क्या कहना चाहते हैं शो में लास्ट में चलते चलते सभी लिसनर्स के लिए एक संदेशा? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये सोचा है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना जरूरी ही है, इस चीज को ना सोचे, क्योंकि ये लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अटैचमेंट हो जाता है और फिर अगर हम उसके क्लोज नहीं हो पाते हैं तो फिर हमी को दुख होता है। तो अपने आप को परेशान ना करें सारे लिसनर्स,
और सभी ऐसा करें कि सोचें कि मतलब ठीक है, जिनका अच्छा चल रहा है वो अच्छा रखे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब खत्म कर दे, ऐसा नहीं कहूँगी, जिनका चल रहा है अच्छा वो चलाए, और जिनका अभी नहीं है वो इस चीज को मत सोचे कि अगर बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है तो कुछ नहीं है फिर हमारे पास, ऐसा नहीं होता है, हमारे पास लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ है, उसको खोजने की कोशिश करें। जी वो कह रही हैं कि खोजने की कोशिश करें, जरूरी नहीं कि आप फैशन की तरह से देखें, अगर आपका कोई सोल मेट आपको मिल गया है तो आप उसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, और बहुत कुछ है इसके अलावा भी जिंदगी में पाने को। दीपक क्या राय रखते हैं आप? जी सर, सबसे पहले तो मैं अंकित सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और बाकी थोड़ी थोड़ी ठंड में आज इस टॉपिक ने गर्मी ला दी है जी। कहना चाहूंगा सर, वैसे देखो मेरा भी मानना ये है कि लाइफ में एक फ्रेंड होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं कि वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, है ना। तो मैं ये चाहूंगा, ठीक है एक फ्रेंड होना चाहिए, पर हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही होना चाहिए, मेरा अपना जो मानना है वो ये जी। तो बिल्कुल दीपक जी, जी बोले बोले जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है शो में पार्टिसिपेट करके, मैं काफी बार सोचता था बट नहीं कर पाता था, मैं सुनता रहता था, तो सुनते मतलब सुनते हुए मेरे को यही लगता था कि चलो अभी तो सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए आज इन्होंने शायद हिम्मत किया, आगे भी हिम्मत करते रहेंगे भाई शो में पार्टिसिपेट करने की। दीपक सोनी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे दो लिसनर जो मोबाइल से जुड़े हुए थे। चलिए स्काई वालों के पास आ जाते हैं। स्काई वाले मेरे से शिकायत ना कर दें कहीं कि हम उनकी बातें जरा कम लेते हैं। यस अंकित, कुछ और कहना है कि आप उसी बात पे अड़ी गए अपनी? आज जैसे कि नरेश ने कहा हिम्मत, तो भैया हिम्मत उन्हीं के पास होगी जो सिंगल है। मैं सिंगल हूँ, नरेश सिंगल है, बस जितने भी सिंगल है, क्योंकि बाकी लोग तो क्या होंगे कि छुप छुप के सुन रहे होंगे कि गर्लफ्रेंड ने सुन रहे कि ये आज टॉपिक सुन रहा है। और कहते हैं ना कि वाइफ जब तक नहीं होती तब तक वाइफ अच्छी लगती, जब वाइफ आ जाती तो कहते हैं इससे पीछा छुड़ाओ। ऐसे ही गर्लफ्रेंड के साथ होता है कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं होती है तब तक अच्छा लगता है, आपकी आज़ादी रहती है, कहीं भी घूमो, हॉलीवुड फिल्म देखो, बॉलीवुड फिल्म देखो, क्रिकेट देखो, क्रिकेट नहीं तो जो गर्लफ्रेंड बोलेगी वही देखना पड़ेगा, रोमांटिक फिल्म देखिए, शॉपिंग पे लेके जाइए, फुटबॉल मत देखिए, क्रिकेट मत देखिए, डेली सोप देखिए, तो आप आज़ादी को एंजॉय करिए। मगर फिर भी चाहिए तो मैं देखो शाहरुख खान तो नहीं ला सकता हूँ रेडियो उड़ान पर, बट जूनियर शाहरुख खान को जरूर लाऊंगा अगले संडे। इस संडे तो नरेश भाई साहब शो करेंगे, जूनियर शाहरुख खान यानी कि प्रशांत वागे होंगे मेरे साथ 7 बजे संडे को, जो फैन मूवी पे जिनके ऊपर फिल्म थी वो मेरे साथ होंगे, तो जरूर सुनिएगा इस संडे नहीं नेक्स्ट संडे को उड़ान टॉप 10। तो ये है आरजे अंकित भाई, इनके पास एक्सपीरियंस इतना सारा है और ये अभी भी कह रहे हैं सिंगल है, चलिए मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भरोसा कम हो रहा है मुझे कि इतना सारा एक्सपीरियंस है और फिर भी कह रहे हैं मैं सिंगल हूँ। हो सकता है इनका टाइटल सिंगल होगा, टाइटल भी सिंगल होते हैं लोगों के आजकल। आकीब क्या कहेंगे? शो के लास्ट सेगमेंट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी टीनएजर्स है फिलहाल तो आप ऐसे ऐसे बेकार रिलेशंस में ना जाए मेरे हिसाब से। अपने करियर पे ज्यादा फोकस करें, अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें। Being a disabled हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हम पहले सेटल हो जाए, बाकी चीजें बाद में देख ली जाएंगी। और अपनी बात खत्म एक शेर से करना चाहूंगा। अच्छा, शेर जो रिलेशनशिप में है। जी जी, मैं कह रहा था कि शेर पढ़ें, बात खत्म करें, उससे पहले अगर बता पाए सुनने वालों को इस मुस्कुराहट, ये जो हंसी आ रही है, कुछ खास बात उसपे? नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस अंकित जी की बात सही लग रही है कि जो सिंगल है वो सच्ची में आजाद है, और इसी चीज पे हंसी आ रही थी कि ये चीजें सही है। और शेर ये है कि जो रिलेशनशिप में है उनको डेडिकेटेड है, और जो रिलेशनशिप में है वो इस शेर को सुने पर इस पे ज्यादा ध्यान ना दे। अच्छा, जो रिलेशन में है वो ध्यान ना दे? नहीं, जो रिलेशनशिप में है वो ध्यान दे, और जो ना है वो ध्यान ना दे। अच्छा, कम ध्यान, जो नहीं है वो ध्यान। बिल्कुल इरशाद। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत खूब, बहुत खूब,
बहुत हकीकत बात बोली है अकीब ने, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से। आशीष, आपके आखिरी शब्द या मैसेज लिसनर्स के लिए। जी, आखिरी शब्द का समय अभी तो नहीं है, देखते कब आता है। और रही बात मैसेज की, आज के शो का आखिरी मैसेज और मैसेज की बात रही तो आकिब ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, अंकित ने भी कही, तो इन दोनों की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और कुछ नहीं कहना। चलिए, तो ये इनका मैसेज कि दोनों की बातों से सहमत हैं, और काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा ये शो, जिन लोगों ने सुना होगा कुछ समझ में आया होगा, कुछ बात जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे शायद वो आपको मिल गई हो। अब वक्त आ गया कि मैं आपसे सच में कहूँ, फाइनली टाटा बाय बाय, और अगले जुम्मरात को ठीक 10 बजे इसी शो में आपके साथ फिर से शो में जुड़ेंगे, कुछ और नए टॉपिक और नए मौजू आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे साथ अपने व्यू शेयर कर सकते हैं शो के बाद भी, अगर आपके दिमाग में आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं डिस्कस हो, तो बिल्कुल हमें इन्हीं मीडियम्स के थ्रू संदेशा भेजें अपना कि किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं या लिसनर के साथ बात करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ आपको बाय बाय एंड कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाई टॉप लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ए यार जरा हमको। लो मान लिया हमने प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल, लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल, छाओ में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी राते। लो मान लिया हमने एतबार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। जाओ नींद मेरी उफ न करेंगे हम,
जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम। जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा, मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। लो मान लिया हमने परवाह नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको।